2, 3. अरे ये तो भाग गई। कैसी लगी? पुष्कर वाले जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। रे हमारे काटू श्याम जी, हमारी लाडो को गवर्सा के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रखना। आज एक बड़ी अनहोनी होने से रोक दीजिए। जीत गए हम। देखा, बोला था ना, सबसे पहले तो रंग मैं ही लगाऊंगी और आपको अपने रंग में रंग दूंगी। समतन साहब बुलबुल के बाबा से आ गए पंडित जी को लेकर, अंदर है। तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। गिरगिट की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखती रहती हो और गिरगिट की तरह रंग भी बदलती हो। ये लो, बदलो अपना रंग। वाणी भू, अब दृष्टि से ऐसे बात मत करिए। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बुलबुल को प्रॉमिस किया था गुड गर्ल बनूंगी। वाणी गुड गर्ल। चलो 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 चलो। बुलबुल की चमची
मेरी आंख। क्या हुआ थानेदार साहब? मेरी आंख में, मेरी आंख में रंग चला गया। आंख में रंग चला गया? दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए हमारे को। मेरी आंख दिखाइए। अब मैं क्या करूं जिससे आपको ठीक लगे? बुलबुल, मेरे पास एक तरीका है। क्या? मैं ले, आप हमारे को रंग लगाने के लिए हमारी फिरकी ले रहे थे? पुष्कर वाले जो है वो अजमेर वालों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। उनको समझाना था कि होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। लक्ष्मणा जी, सारी गणना करने के बाद अमावस दोष का एक उपाय निकला है। क्या उपाय है पंडित जी, आप जल्दी बताइए ना। बच्चा, वीर और बुलबुल का अंश जो इस दोष का निवारण भी है और जो अपने माता पिता को अलग होने से बचाएगा भी। ये तो बहुत ही सरल निवारण। वीर और बुलबुल का बच्चा आ जाएगा तो वीर पर से वो कष्ट भी हट जाएगा और अमावस से दोष भी। बच्चा आ जाएगा तो दोनों का रिश्ता दोबारा से जुड़ जाएगा और बच्चा कितनी खुशियां लेकर आएगा घर में। ये तो बहुत सरल निवारण है पंडित जी। बच्चा सपना सा इतनी जल्दी? बच्चा बुलबुल बहुत छोटी है। इतनी भी छोटी नहीं है गीता, बालिक है, तभी तो उसका ब्याह हुआ है। और मैं भी 19 साल की थी जब विशेष मेरी गोदी में खेल रहा था। और मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ थोड़ी अलहड़ होती है, शादी के बाद भी वैसी रहती है, लेकिन एक बार माँ बन जाती है ना तो पूरी औरत बन जाती है। देखना बुलबुल की गोद में भी जब बच्चा आएगा ना तो वो भी एक समझदार औरत बन जाएगी। कैसे बनेगी वो माँ? नाबालिग है हमारी बुलबुल, माँ बनने के लिए ना शरीर से तैयार है ना मन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान। देवेंद्र भाई साहब, आपको कोई नाना नाना कहने वाला आने वाला है, आप खुश है ना? हाँ समझन सर, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना है, अब तो सारे संकट चल जाएंगे। बच्चा हमारे को ना थोड़ी प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। पानी चाहिए ना, मैं लेकर आता हूँ। रुको तुम खेलो होली खेलो, मैं आता हूँ। यहाँ एक उपाय है बच्चा।
मालिक है ये घर, ये घर माँ बनने की उम्र नहीं है उसकी, और इतनी ब्लीडिंग में उसकी जान को भी जान है, भी जान है, भी जान है, भी जान है। गीता आराम से माँ, शब्द सुनते ही इस वाणी को दौरा चढ़ेगा। अब ये करेगी कांड, फिर तेरी सास तुझे कैसे माफ करेगी बुलबुल? अपनी जिम्मेदारी पर इसे कमरे के बाहर लाई थी ना तू? कोई कोई रोको उसे। संभाल अपने आप को, वानी वानी शांत शांत वानी शांत। नानी, वानी दी, इसीलिए कमरे में बंद रखते हैं इसको, लेकिन बुलबुल की जिद थी ना, आज अगर व्योम को कुछ हो जाता तो। चल चलो, बुलबुल तुम ठीक हो? मारे को माफ कर दीजिए मां साहब, मैं बस इतना चाहती थी कि वानी जीजी भी पूरे परिवार के साथ होली खेले। मैं गर्ल हूं, मैं तो सुपर वुमन। हाँ हाँ बुलबुल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लेकर आता हूँ वरना बीमार। नहीं 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 नहीं, आप मत लेकर आइए, मैं खुद लेकर आता हूँ। बुलबुल मैं सूख। बुलबुल ये पीठ पर मार लगने की वजह से तुम्हें नींद पड़ गया, एक काम करो, ये मेरा सहारा लेकर बैठो तो। दूसरों के दर्द को अपने ऊपर लेकर उफ तक नहीं करती तुम, कैसे कर लेती हो तुम बुलबुल? मारे कपड़े किसने बदले? बुलबुल उठ गई तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं यहाँ सो गई थी मैं। हाँ शायद तुमने पहले कभी कफ सिरप नहीं पी बुलबुल, वो तुम्हारे कपड़े गीले थे इसलिए तुम गहरी नींद में सो गई थी। मारे कपड़े किसने बदले? बुलबुल मैंने बदले। तुम्हारे कपड़े गीले से बुलबुल तुम्हें बुखार हो जाता, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बुलबुल। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, अब ऐसे कैसे मारे कपड़े बदल सकते हैं? कुछ भी नहीं हुआ। मैं नींद में थी, आप तो होश में थे ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? आपको नहीं पता हमें दूर दूर रहना, पास पास नहीं आ सकते।